तो मुझे तो मेरे 2 लाख चाहिए माँ। ले लेना। मामा वो आ गई। ठहरो महारानी। पैसे लाई? बेगैरत पत्थर दिल हराम खोर, मैंने तुझे कहा था कि 10,000 लाएगी तो इस घर में कदम रखना, और तू खाली हाथ चली आई। मेरी माँ मुझे 10,000 कहाँ से लाके देगी, उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो समझ ले तेरी तकदीर भी फूट गई, आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। निकल यहाँ से। माँ जी मुझे यहाँ से मत निकालिए। निकलती है या नहीं? हाँ नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानते, नहीं मानने वाली ऐसे नहीं मानने। क्यों मार रही है मम्मी को? ये बेचारी इतने सारे कहाँ से लाएंगी? बदतमीज, बड़ों के साथ जबान ना रहता है? अरे ये कहाँ की बड़ी है जो सिर्फ छोटों को दबाती रहती है और इनको मारती रहती है? खामोश, चल अंदर चल। बाप के जैसे ये भी पटर पटर करने लग गया। मुझे गुस्सा मत पीला, निकल यहाँ से। मत कीजिए। सुन ले बच्ची, तू ऐसे नहीं मारेगी, नहीं मारेगी ऐसे, घर से नहीं निकलेगी, चुड़ैल नहीं, निकल यहाँ से। जन्म चली सीमत की तरह चिपक गई है मेरे घर को, एक दिन खाकर ही रहेगी। निकल यहाँ से, निकल। दुर्गा बहन, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बच्ची को इस तरह मार रही हो? मारू नहीं तो क्या इसकी पूजा करूं? ये तो दहेज में सिर्फ 30,000 रुपए लाई थी, जबकि हमें 2-2 लाख रुपए मिल रहे थे, फिर भी हमने ठुकरा दिए, ये समझकर कि जरूरत पड़ने पर तू हमारी मदद करेगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग पैदाइशी भिखारी हो। बहन, भिखारी और अमीर तो इंसान को वक्त बना देता है, लेकिन आप मेरी बेटी को जानवरों की तरह क्यों मार रही हैं? बड़ी आई बेटी की वकालत करने वाली, अगर बेटी का इतना ही दर्द है तो निकाल 10,000 रुपए। 10,000? मैं गरीब, इतने रुपए कहाँ से लाऊं? मैं गरीब गरीब कुछ नहीं जानती। अगर तू चाहती है कि तेरी ये बेटी इस घर में रहे तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले 10,000 ले आ, वरना अपनी बेटी को अपने साथ ले जा। तलाक का नोटिस वकील के जरिए पहुंच जाएगा तेरे घर में, समझी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो यही रहेगी, यही रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। चल चुप, मनहूस कहीं की मैं। देव की बहन, मकान बेचकर तो तुम बिल्कुल बेसारा हो जाओगी, और फिर तुम दिल की मरीज भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हें। जो होगा होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नमस्ते। बीबी जी, आपकी सीढ़ी पर कौना औरत सोई है? औरत? हाँ, ये देखो। अरे माँ, ये क्या? माँ यहाँ बाहर सीढ़ी पे क्यों सोई हो? माँ, 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 तेरी माँ कौन सी नहीं मरी है? हर रोज हजारों लोग मरते हैं, तेरी माँ को मरना ही था तो कहीं और जाके मरती, इस दहलीज को शमशान समझकर क्यों मर गई? छी 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 छी, हमारी सीढ़ियाँ गंदी करती। माँ, इस बुढ़िया का क्या करें?
माँ, माँ, क्या हुआ नानी को? तुम्हारी नानी हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई बेटा। माँ, ये लोग आ गए। ये लो 50 रुपए और इस लाश को ले जाकर किसी नदी नाले में फेंक दो। ये लो रुपए, उठा जल्दी लाश को, चलो। नहीं, नहीं, मैं अपनी माँ की लाश नहीं दूंगी, मुझ पे भगवान के लिए दया कीजिए, मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाऊंगी। अरे जा जा, आई बड़ी माँ का अंतिम संस्कार करवाने वाली, चलो यहाँ से। नहीं, भगवान के लिए मुझे तरस खाई है। विजय, अरे उठ, क्या नाटक कर रही? अब तुम्हारी माँ में रखा ही क्या? और कौन सा हम इसे जिंदा भिगवा रहे? चला, उठा, चला लाश को। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू चली गई तो दोबारा इस घर की चौखट पर कदम मत रखना। आज से हम तेरे लिए और तू हमारे लिए मर गई, समझी? ठीक है, चल चल। मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है? तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया? तू बीवी की गुलामी बंद कर, मर्द बन बुजदिल। बड़ाई तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। दो दो घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। हमश जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे भी गुजरा है? तो फिर और क्या होगा? तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहां तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई, शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे, शर्म करो। तो क्या हुआ, एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूंछ, मरने के बाद ही मूंछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ, बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा, समझ गया? अरे जा जा बाबा, एक मरता मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन भर का थका हूं, फिर सुने दे, चल। तू पहले हाँ कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हाँ कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हाँ कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है? भाग, अरे भाग ना। अरे चला, खिलाने की साइज का बाप। किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? क्या हुआ?
फ्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाना गया होगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। देख तो होगा बाबा। ओ माँ, ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है। तुमको क्या करना, तुम सो जाओ, जो सो जाओ। बाप बेटे दोनों पागल है। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं, मैं नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहने पे। अमर बेटे, कितने दिन हो गए तू दिन रात अपनी भाभी और भतीजी की तलाश में भटक रहा है, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे ख्याल से अब तू इस किस्से को भूल जा और अपने काम धंधे पर लग जा बेटे, फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दे। हाँ अमर, माँ जी ठीक कह रही हैं। जैसे मैं उन्हें भूल गया हूँ, तुम भी उन्हें भूल जाओ, क्योंकि ना तो वो लोग आने वाले हैं और ना मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, उन दोनों का पता चल गया। क्या? हाँ, वो दोनों मुझे मिल गए। मिल गए? कहाँ? म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। उन दोनों का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में दोनों माँ बेटी मर गए। 7 दिनों तक उनकी लाशें किसी मुर्दा घर में लावारिसों की तरह पड़ी रहीं। जब उनका कोई वारिस नहीं मिला तो हॉस्पिटल वालों ने वो लाशें मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दिए, ताकि वो चीर फाड़ करें, उनके टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों से ऑपरेशन के नए तरीके सीख सके। ये रही मेरी भाभी की साड़ी, ये मंगलसूत्र और उनकी कान की बालियां, और ये मेरी पिंकी का फ्रॉक जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी मर गई, पिंकी भी मर गई, छोटे मामा, बड़े मामा ने उस दिन मामी का बहुत मारा था और नानी ने भी उन्हें बहुत मारा था। मैं जानता हूं इनके चेहरे बता रहे हैं कि इन सबों ने मिलकर तुम्हारी मामी और पिंकी को मार डाला। ये लोग उन मजलूमों और बेगुनाहों के कातिल हैं। अमर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पिताजी, ये घर नहीं कातिलों की बस्ती है। क्या सुबह शाम कत्ल होते हैं? कभी जज्बात का कत्ल, तो कभी इज्जत का कत्ल, तो कभी इंसान के हक का खून होता है। बहुओं को फूलों की डोली में बिठाकर लाया जाता है और उसी दिन से उसकी अर्थी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। उसे जुल्म की आग में जला जलाकर उसे चिता की आग तक पहुंचाया जाता है। यहां सब जल्लाद हैं, सब खूनी हैं, सब कातिल रहते हैं। अमर, तू अपनी बकवास बंद करता है या नहीं? ये बकवास नहीं, ये सच है मां। ये झूठ मूठ गीता और रामायण का पाठ पढ़ने का ढोंग बंद करो। ये सब दिखावा है, वक्त गुजारने के तरीके हैं। अगर पढ़ना ही है तो उन किताबों में क्या लिखा है उसे समझो, उन पर अमल करके देखो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि धर्म तुमसे क्या कहता और तुम आज तक क्या करती रही हो। उन किताबों में लिखा है कि जिस घर में नारी जाति को मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, उस घर में देवता बसते हैं, और जिस घर में नारी जाति का अपमान होता है उस घर में राक्षस रहते हैं। यह राक्षसों का घर है और मैं इस राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता। मैं आज इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। हाँ ठीक है, मगर जाते जाते अच्छी खबर तो सुना गया कि शारदा और पिंकी दोनों इस दुनिया से चली गई और हमारा विजय फिर से कुंवारा हो गया। एक बात कहूं,
आप फौरन जाकर सेठ द्वारका प्रसाद से मिल लो और किसी भी तरह बात पक्की करके 10 लाख ले आओ। बेचारी शारदा भाभी, मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म हो गए, मगर क्या भाभी थी हमारी। जी दीदी सबका भला करती रही, मगर मर के भी लालची कुत्तों का भला कर गई।